हजरत मौलाना कसीम नेमत का सालाना उर्स जबलपुर में बड़ी अकीदत और शिद्दत से मनाया गया। पुराना पुल गोहलपुर स्थित उनकी दरगाह में हाजिरी देने वालों का इस मौके पर तांता रहा। उर्स के चलते दरगाह समेत आसपास की जगहों की रौनक देखते ही बनती थी। कोविड के चलते उर्स कमेटी ने इस बार का उर्स मैदान में नहीं मनाया, वहीं ज्यादा भीड़ भी नहीं इकट्ठी की। उस उर्स में कुरान खानी, नाते शरीफ के साथ लंगरे आम का एहतमाम भी किया गया। अकीदत मंदों ने इस अवसर पर मुल्क, सूबे और शहर में अमन और भाईचारा कायम रहने की दुआ भी मांगी। तो मौके आज हुजूर कासिम उल्मे हिकमत का उर्स मुबारक मनाया जा रहा है और अभी लंगर का एहतमाम है। रात 10 बजे महफिल नात व मनकबत है। कसीर तादाद में लोग शिरकत किया करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से हमने प्रोग्राम को मुख्तसर कर दिया और बजाय मैदान में करने के खानका शरीफ से लंगर का एहतमाम किया गया। लोगों ने लंगर तनावुल किया। इस्लाम में खाना खिलाने की बड़ी फजीलत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लाम में बेहतरीन अमल ये है कि लोगों को खाना खिलाया जाए। लिहाजा अपने नबी की तालीम पर अमल करते हुए तमाम आस्थानों में आप देखेंगे कि लंगर का अहतमाम होता है और लोगों को खाना वगैरह पेश किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके पर हम लोग भी कायम हैं। ये सूफियों का मज़हब है और हिंदुस्तान में तमाम अहले ईमान मुसलमान अमन सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इंशाअल्लाह रहमान इसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। हमारा मुल्क सलामत रहे, हम सब मिलजुल करके अपने देश को आगे बढ़ाएं और परवरदिगार आलम हमारे मुल्क से हर किस्म की बला वबा को दूर फरमाए, यही मेरी दुआ है। अस्सलामु अलैकुम।